वेलकम टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी स्टार्ट क्लासेस डाटा हैंडलिंग। तो देखिए, डाटा हैंडलिंग का क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। द वेट ऑफ 15 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर, एक क्लास के 15 स्टूडेंट है जिनका वेट हमें गिवन है। ठीक है, ये हमें वेट गिवन है। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ डाटा, हमें उसका क्या करना है, मोड निकालना उस डाटा का जो हमारे पास गिवन है और मीडियन निकालना इस डाटा का। क्लियर है? इज देयर मोर देन वन मोड, क्या यहाँ पे एक से ज्यादा मोड अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, इस चीज को चेक करना है। तो देखिए आप लोग इस चीज को सबसे पहले सुनिए कि हम मीन मीडियन और मोड निकालने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए जब हम मीन निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, मीन निकालने के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं हम, यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझ आई बात है? तो आपके पास मीन निकालने के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमारे पास मीन निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्लियर है? अब आगे देखिए, अगर हम यहां पे मोड निकालना चाहते हैं तो मोड का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम टाइम रिपीटिंग नंबर। जो हमारा मैक्सिमम टाइम रिपीटिंग नंबर होता है वो हमारा क्या होता है, मोड होता है। समझ आई आपको बातें? क्लियर है? अब बात करते हैं मीडियन की। तो मीडियन के लिए आपको, आप एज ऑन क्लास सेवन, आप जो क्लास सेवन पे ध्यान रखना, मीडियन हमारे पास मिडल नंबर क्या होता है, हमारे पास मिडल नंबर को मीडियन कहते हैं। मिडल नंबर निकाला कैसे जाता है सर? तो मिडल नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, एन प्लस वन बाय टू एथ, ये हमारा फॉर्मूला होता है। एन प्लस वन बाय टू एथ हमारा फॉर्मूला होता है। तो मिडल नंबर के लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है एन। एन हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। अब नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब हमारे पास नंबर ऑफ डाटा, कितने स्टूडेंट है, कितना ये डाटा जितना होता है, 15 का है तो एन 15 हो गया, अगर एन 17 होता है एन 17 हो जाएगा, इस तरह से। तो मिडल नंबर निकालते हैं। अब यहाँ पे मीन मीडियन मोड हमें पता चल चुके हैं, मीन मीडियन मोड। अब हमारे पास यहाँ पे फाइंड द मोड एंड मीडियन, मोड और मीडियन की बात कर रहा है। ठीक है, तो जो मोड है वो मोड हमारे पास ये रहा, मैक्सिमम टाइम रिपीटिंग नंबर क्या होता है, मोड होता है। तो मोड निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आप लोगों को, मोड निकालने के लिए सबसे पहले टैलीमार्क बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम लोग? टैलीमार्क बनाते हैं ताकि सम हमारा आसान हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए टैलीमार्क्स के लिए बनाते हैं। टैलीमार्क के लिए ध्यान रखना है यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे आपके पास वेट। ठीक है, और आपके पास वेट के बाद क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसको सिंपल टर्म में बेटा क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशन ये वेट हो गया, या आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए, दैट मीन्स हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई। तो नंबर ऑफ वेट देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट वेट अगर हम देखें, सबसे स्मॉलेस्ट वेट हमें यहाँ दिख रहा होगा आपका 32। ठीक है, 32 के अलावा कोई और है? देखिए आई थिंक मुझे तो नहीं दिख रहा, 32 है। 32 कितने स्टूडेंट है? 1 स्टूडेंट है। वेरी गुड। 32 के बाद हम देखें यहाँ पे, 32 के बाद हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, 35 में कितने स्टूडेंट है? 35 का मे भी, 35 के भी 1 स्टूडेंट है। ओके, इसके बाद 35 के बाद हमारे पास क्या आता है, 38। ठीक है, 38 के चेक करते हैं, 38 से पहले हमारा 36 है, 36 का 1 आई थिंक, 36 का 1 है ये वाला आपके पास है, 36 का 1 हो गया। क्लियर है? 38 कितने स्टूडेंट है? 1। आगे चलते हैं 38 का सेकंड एंड थर्ड कितने स्टूडेंट हो गए? 3 स्टूडेंट हो गए। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप जो नंबर लेते जाए उस पर टिक लगाते जाए, ताकि आपको पता चलता जाए कि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 38 हो गया हमारे पास, 38 के कितने आ गए हमारे पास, 1 2 3 नंबर्स हो गए। क्लियर है? अब हमारे पास 38 से पहले एक नंबर छूट गया, क्या छूट गया यहाँ पे देखिए, 37 रिमेनिंग रह गया यहाँ पे। तो 37 का हम यहाँ पे 37 लिख लिया, 37 का हमारा 1 हो गया। ठीक है, 37 का ये आपका 1 आ गया, और कहीं 37 है नहीं है। ठीक है, अब 38 का हमारे पास हमने चेक कर चुके थे, 38 कितने थे हमारे पास, एक नंबर ये था, ठीक है, दूसरा नंबर ये था और तीसरा नंबर ये था। तो 38 कितने नंबर हो गए? 3 नंबर हो गए। समझ आ गया आपको बातें? 38 के बाद देखिए, 38 के बाद हमारे पास 39 तो कहीं दिख नहीं रहा है, 39 के बाद हमारे पास अगला 40 भी हमें कहीं नहीं दिख रहा, 40 नहीं दिख रहा, 40 हमारे पास एक नंबर है, एक स्टूडेंट है। 40 के बाद 41 भी हमें कहीं नहीं दिख रहा है, 42 देखते हैं, 42 हमें दिख रहा है, 42 कहां पे दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है, 42 का मे भी 1 है। ओके, हाँ 1 है। 42 के बाद हम यहाँ पे 43 देखते हैं, तो 43 के कितने हमारे पास, 43 के आपके पास देखिए 1
टू थ्री, 43 कितने हो गए, 1 2 3, 43 के कितने आ गए आपके 3 आ गए। अब आ जाते हैं 44, हमारे पास 44 तो नहीं है बेटा, यहाँ पे 45 है, 45 का 1 है और आप उसके बाद 47 है, फिर 50 है, फिर 47 का 1 नंबर है और फिर 50 का भी 1 नंबर है, ठीक है। अब देखिए चेक करते हैं कि हमारा सारा डाटा सही निकला गलत निकला, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे उसको काउंट करते हैं। काउंट करने के बाद अगर उतना ही आ जाए जितने स्टूडेंट दिए पड़े तो हमारा सम सही है, 1 2 3 4 3 7 8 9 10 11 12 12 3 15, तो कितना आ गया 15, दैट मीन्स हमारा डाटा क्या है बिल्कुल सही है। फाइंड द मोड क्या कर रहा है, पहले हमें मोड निकालने को कह रहा है, क्या कह रहा है मोड निकाल लीजिए। तो मोड आपको मैंने बताया था बेटा, मोड क्या होता है, मैक्सिमम टाइम रिपीटिंग नंबर, जो जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वही हमारे पास क्या होता है मोड होता है, मैक्सिमम टाइम रिपीटिंग नंबर इज नोन एज मोड। तो देखिए मैक्सिमम टाइम रिपीट कौन कौन से नंबर हो रहा है, एक 38 रिपीट हो रहा है और एक आपको 43 रिपीट हो रहा है, क्या आ रहा है आपका एक 38 रिपीट हो रहा है एक 43 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास मोड क्या आ गया, हमारे पास जो मोड आ गया मोड जो 38 एंड 43। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था इज देयर मोर देन वन मोड, क्या यहाँ पे एक से ज्यादा मोड है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस देयर आर टू मोड, यस देयर आर टू मोड, कितने मोड है यहाँ पे टू मोड है, जो आपके पास क्या है 38 एंड 43, यहाँ पे क्या है आपके दो मोड है जो आपके 38 एंड 43 है, समझ आ गई आपको बातें, ठीक है। तो देखिए आप लोग इसको पहले नोट करिए उसके बाद हम करते हैं, यहाँ पे मीडियम भी तो हमें निकालना है, इसके बाद मीडियम निकालेंगे, करिए नोट, ओके आप लोगों ने आई थिंक नोट कर लिया होगा। अब हमें मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए करते हैं मिडिल नंबर निकालते हैं, देखिए मीडियन निकालने के लिए करते हैं मिडिल नंबर निकालते हैं, तो सबसे पहले बेटा मीडियन निकालने के लिए आपको किस चीज का मैंने आपको बताया था, ये मोड मैं यहाँ इरेज कर रहा हूं इसको, ठीक है, और आपके पास इसका हमारे पास हो चुका है ये वाला, इसका सेकंड पार्ट हो चुका है, अब हम मीडियन निकालते हैं, मीडियन निकालने के लिए ये आपके पास मिडिल नंबर होता है, ठीक है, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो मीडियन हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हम मीडियन का लिख लेते हैं, मीडियन हमारे पास होता है बेटा यहाँ पे मिडल नंबर, क्या होता है आपका मिडल नंबर, ठीक है। तो मिडल नंबर के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, मीडियन निकालने के लिए मीडियन अगला जो पार्ट है इसका डाटा को किसमें करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में, किसमें कन्वर्ट करते हैं पहले इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं, देखिए मिडल नंबर निकालने के लिए डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए 32 लिखेंगे पहले आपका, 32 के बाद 35 क्यों लिखेंगे बेटा, क्योंकि वन टाइम है, सब वन टाइम है, 36 वन टाइम है, 37 वन टाइम है, 38 कितने टाइम है 38 थ्री टाइम है, 38 38 38, ठीक है, फिर 40 कितने टाइम है वन टाइम है 40 हो गया, 42 कितने टाइम है 42 वन टाइम है, ठीक है, फिर 43 कितने टाइम है थ्री टाइम है 43 43 43 43, 45 कितने टाइम है 45 वन टाइम है, तो आपका 45 आ गया, 45 के बाद 47 कितने टाइम है 47 वन टाइम है, 47 वन टाइम आ गया, फिर 50 कितने टाइम है 50 वन टाइम है, 50 हमने लिख लिया। अब देखिए फिर यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमने फॉर्मूला भी बताया था आपको इसका इस्तेमाल करते हैं, n+1/2, ठीक है, n यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे n इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया पड़ा हमें ऊपर, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब देखिए हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पे, कितने स्टूडेंट है बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट आर 15, कितने स्टूडेंट है यहाँ पे हमारे पास 15 स्टूडेंट है, कितने आपके पास 15 स्टूडेंट हो गए। अब देखिए 15 स्टूडेंट को क्या करते हैं यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो n+1/2 th लगाना जरूरी है, आपके पास देखिए 15+1/2 तो कितना हो जाएगा आपका 16/2 आपका आ जाएगा, 16/2 कौन सा होगा 2 8 16, 8th नंबर, कौन सा हो गया 8th नंबर, 8th नंबर, अब 8th नंबर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास क्या आ गया 8th नंबर, हमारे पास क्या आ गया 40 आ गया, 8th नंबर हमारे पास क्या आ रहा है बेटा यहाँ पे देखिए क्या आ गया आपका 40 आ गया, ठीक है, तो जो 8th नंबर है वो आपका 40 है, तो जो आपका 40 देखिए 8th आपका मोड नहीं होगा, जो नंबर निकल के आएगा वो आपका मीडियन होगा, सॉरी मीडियन मोड कह दिया मैंने गलती से, ठीक है, तो 8th आपका जो निकल के आएगा 8th जो आएगा वो आपका मीडियन नहीं होगा,
एट नंबर जो होगा, एट नंबर कैसे निकलेगा, जब डाटा हमारा किस ऑर्डर में रहेगा, जब डाटा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा तभी हमारा एट नंबर निकलेगा। ऐसा नहीं कि आपको जो रॉ डाटा दिया पड़ा उसी में आपने एट नंबर, आप देखो एट क्या निकालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आपका सम गलत हो चुका है क्योंकि 43 तो हमारे पास नहीं, हमारे को मीडियन क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। तो आपने सबसे पहले ध्यान रखना बेटा डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए आप टेलीमार्क की हेल्प ले सकते हैं। टेलीमार्क को अगर आप बना लोगे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, बिकॉज यहां से हम चीजों को प्रॉपर तरीके से अरेंज कर लेते हैं, यहां से हम मोड भी निकाल सकते हैं। समझ आ गई बात है। हाँ, मीन निकालने के लिए आपको ऐड करना पड़ता है, वो आपको किस तरह से यहाँ उसकी हेल्प भी यहाँ लेके कर सकते हैं, उसको भी समझाता हूँ अभी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया ये कि एट नंबर हमारे पास क्या आ गया, 40 आ गया, एट नंबर 40 आ गया तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारा मीडियन आ गया। समझ आ गया आपको बात है। ठीक है, अब देखिए इसको इरेज कर देता हूं मैं। अब आती है बात कि भाई सर यहाँ पे अगर मीन निकालने को कह देता है हमें, क्या कह देता है यहाँ पे सर हमें मीन निकालने को कहता तो हम क्या करते हैं। कोई बात नहीं बेटा, अगर हमें मीन निकालने को कहता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं पहले, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या लिखते हैं यहाँ पे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये लिखते हैं ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा फॉर्मूला है। अब सर सम निकालने के लिए अभी तो आपने बोला कि सर इस टेलीमार्क का इस्तेमाल कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन जरूरी नहीं कि बनाना ही है इसका टेलीमार्क का इस्तेमाल। अगर आपको तीनों चीजें निकालनी है तो टेलीमार्क बहुत हेल्प करता है हमारा। अब देखिए कैसे हेल्प करेगा। अब देखिए मुझे 32 कितना टाइम है, वन टाइम है। ठीक है, 35 कितना टाइम है, वन टाइम है। 36 कितना टाइम है, वन टाइम है। 37 कितना टाइम है, वन टाइम है। 38 कितने टाइम है, थ्री टाइम है। तो 38 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख लूंगा। ठीक है, तो 8 3 24 2 3 3 9 2 11, तो कितना हो गया, 3 3 9 2 हो गया 24, 114 आ गया, 114 लिख लिया। देखिए कितना, अब आपके पास 40 वन टाइम है। ठीक है, ऐसे 42 भी वन टाइम है, 42 भी वन टाइम है, 43 कितने टाइम है, थ्री टाइम है। तो 43 को क्या कर लूंगा, 3 3 3 9 4 3 12, कितना हो गया, 129। समझ आइए आपको बात है। ठीक है, 45 कितना टाइम है, वन टाइम है, 45 आपका वन टाइम है। ठीक है, 47 वन टाइम है, 47 वन टाइम है, और 50 आपका वन टाइम है, तो 50 आपका क्या है, वन टाइम है। समझ आ रही है आपको बात है। तो इन सबको आप ऐड कर लोगे, ऐड करने के बाद किससे डिवाइड कर लोगे आप लोग, 15 से डिवाइड कर लोगे। सर इसमें क्या हुआ, आपने देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या, आपका इसमें फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ भाई साहब यहाँ तो सब जगह वन वन टाइम है। ठीक है, ऐसा हो सकता था शायद कहीं पे थ्री टाइम हो गए, फोर टाइम हो गए, टू टाइम आपको दिक्कत आ गई, ऐड करने मिला ना, तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख सकते हैं। अब इसमें भी क्या फायदा हुआ आपको देखो, क्या फायदा हुआ, हमने इतना बड़ा तो लिखा, हम यहाँ ऐड नहीं कर रहे, हम ऐड यहाँ इन इनको कर लेते हैं, बस इसको ऐड कर लेते हैं। देखिए तो कितना हो गया, 5 2 7 7 7 14 7 7 14, और 14 6 कितना हो जाएगा, 20 20 का 0 2 आ गया, 3 3 3 6 6, और कितना 3 1 2 3 4 4 12 12 13 14 140 हो गया। तो देखिए इन सब का सम हमने क्या निकाल लिया, 140 निकाल लिया, कितना आसान हो गया, 114 लिख लिया प्लस। अब देखिए इन दो का सम निकाल लिया, 40 40 40 40 80 और 82 हो गया। फिर इसका भी सम हम लिख चुके हैं, क्या लिख चुके हैं हम इसका सम, 129 लिख चुके हैं। फिर तीन का सम निकाल लिया ताकि आसान बन जाए, कितना हो गया, 50 40 50 90 हो गया, 94 130 137 137 के बाद कितना आ जाएगा, 152। ठीक है, तो आपके अंदर 40 80 50 130 137 142 आ गया। ठीक है, अब देखिए आपके पास 15 आ गया, तो कैलकुलेशन में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इस तरीके से करेंगे तो। अब देखिए यहाँ पे तो मैंने तब इनको ऐड कर लिया बेटा, मैं क्यों ऐड कर लिया, मैंने इनको इसलिए ऐड करा यहाँ पे, ये जो मैंने ऐड करे हैं ये आपके, वो मैंने इसलिए ऐड करे क्योंकि सिंगल टाइम थे, अगर सिंगल टाइम ना होते तो आप इसके ऐसे मल्टीप्लाई करते और तब जाके वहां पे ऐड करते हैं। अब इन सबको ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद डिवाइड करिए, डिवाइड करने के बाद आप मुझे बताएंगे मीन क्या आ रहा है, और मीन का आंसर आप कमेंट्स में डालेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है, ये सब मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगला था इज देयर मोर देन वन मोड, मोर देन वन मोड हमने बता दिया, यहाँ पे दो मोड आए थे पीछे डिस्कस कर लिया, और अगर नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को पॉज करके देखना और जो जो चीजें बताई गई उसको समझना। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक जरूर करिए, और अपने आपको हमेशा कहता हूँ कि अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर करिए, 5 फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, 5 अपने फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, स्कूल फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है, रिलेटिव्स है, 5 दोस्तों को आपने जरूर शेयर करना है, उनको शेयर करना है जिसको इसकी नीड है, मतलब जो ये इस क्लासेस में पढ़ते होंगे। ठीक है, और थर्ड आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको जो भी नया नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आपका दिन अच्छा।